मैं हूं इकराम आवान, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान SGD। एजी, आप इस लाहौर की जानिब से GP फंड पर इंटरेस्ट रेट के हवाले से अहम मालूमात जो है वो शेयर की गई है मुलाजमीन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। एजी, आप इस लाहौर की जानिब से 30 जून 2021 को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से बताया गया है कि 1947 से लेकर आज तक जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे और उनके GP फंड की मद में जो रकम काटी जाती है, कटौती होती है उनकी सैलरी से, उसके हवाले से बड़ी तफसीली जो है वो इंफॉर्मेशन जारी की गई है। और साल वाइज रेट जहाँ जहाँ पे भी जिस साल में रेट तब्दील हुए हैं GP फंड के, तो ये एक सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ था कि जो बेसिक रेट्स थे, तब्दीली थी रेट्स की, उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कौन से साल में कौन सा रेट कितने अरसे में चेंज हुआ है और वो कितना आगे चला है और उसके बाद दोबारा तब्दीली कब हुई है। लेकिन अब क्योंकि AG ऑफिस ने ये भी मुश्किल आसान कर दी है मुलाजमीन की, उन्होंने एक तफसीली चार्ट जारी किया है जिसमें अब 2020 तक के तमाम रेट्स जो हैं GP फंड के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नए जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन से साल में कौन सा रेट था और वो कितने साल वो रेट चला और उसके बाद दोबारा उसमें जो है वो तब्दीली की गई, इंक्रीज़ किया गया या वो माइनस की तरफ गया। जैसी भी सूरत हाल थी चलती आई GP फंड को लेकर, वो एक तफसीली रेट्स जो हैं वो अब हर आम मुलाजिम तक रसाई हासिल कर सकता है। क्योंकि पहले ये था कि अगर रेट्स के ये इंफॉर्मेशन, ये लिस्टें अगर किसी के पास थी तो वो अकाउंट ऑफिस या कुछ अकाउंट से रिलेटेड जो अहम लोग थे उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी। लेकिन इस दफ़ा AG ऑफिस की जानिब से ये लिस्टें जारी कर दी गई हैं हर आम आदमी के लिए, कि हर आम आदमी को भी पता चल सके कि किस साल में कितना इंटरेस्ट रेट था और उसका GP फंड इस वक्त किस स्टेटस पे जा रहा है, किस स्टेज पे जा रहा है, उसका क्या स्टेटस है इस वक्त GP फंड को लेकर, और उसका अंदाज़ा बखूबी वो लगा सकते हैं। तो लिहाजा अब तमाम दोस्त जो हैं अपने GP फंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो GP फंड उनका जो आ रहा है इन रेट्स के मुताबिक वो क्या दुरुस्त है या कि वो रकम कम आ रही है। तो